वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग का बताया था, ब्रांच अकाउंट का सम करने के लिए रिक्वेस्ट आई गई थी, तो आज मैं यहाँ पे ब्रांच अकाउंट का ही सम कर रही हूँ, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 आपके बुक का यहाँ पे दिया हुआ है। सेल्स इंडिया ऑफ अहमदाबाद है जो ब्रांच एट बड़ोड़ा, हेड ऑफिस सप्लाइज गुड्स टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस बाय एडिंग 33.33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। द ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स एंड रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड टू हेड ऑफिस थ्रू बैंक ड्राफ्ट फॉर पेटी एक्सपेंस। हेड ऑफिस सेंड्स पेटी कैश टू ब्रांच फ्रॉम द बुक ऑफ हेड ऑफिस। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2011। फिर हम लोग को नीचे में सारे क्वेश्चन में जो जो स्टॉक्स वगैरह वो सब दे दिए। लास्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेप्टर अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बनाना है, डेप्टर अकाउंट बनाना है, पेटी कैश बनाना है, लेकिन हम लोग ट्रेडिंग और पीएनएल भी यहाँ पे बना रहे हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग जो कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट चेक हम लोग उसके थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट बना के रखा हुआ है ब्रांच का, फिर डेप्टर, पेटी कैश, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। हम लोग को जैसे बोला है कि हम लोग का जो भी आईटी प्राइसेस हम लोग को दिया हुआ है कॉस्ट के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग का कैलकुलेशन का पार्ट सबसे पहला हम लोग का है कॉस्ट, प्रॉफिट, और उसके नीचे हमारा आता है आईटी। ठीक है, उन्होंने बोला है कि 33.33% जो है वो कॉस्ट के ऊपर है, तो हम लोग कॉस्ट 100 एज्यूम कर लेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा 33.33, तो आईपी हमारा कितना हो जाएगा 133.33। तो दोस्तों, आप ब्रांच अकाउंट अगर नए नए कर रहे हो तो आपको ये बता दूं कि आईपी जो है हम लोग की चार चीज़ों पे लगता है। आईपी यानी इनवॉइस प्राइस, लगता है हम लोग का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड और गुड्स रिटर्न। ठीक है, ये चार चीज़ों पे हम लोग का आईपी लगता है, और हम लोग को इन आईपी में से कॉस्ट प्राइस को अलग करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले उनको अलग ही कर देंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, स्टॉक है जिसका हम लोग का है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का कितना दे दिया, 24,000, ये आईपी प्राइस के ऊपर है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आईपी पे अगर 24,000 है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, यानी 100 के ऊपर कितना होगा। तो इसका 24,000 × 100 डिवाइड बाय 133.33। ओके, तो इसको करेंगे 24,000 × 100 डिवाइड बाय 133.3333, चार बार कर देना ताकि आपको नंबर जो है वो राउंड ऑफ में मिल सके, पॉइंट के बाद 43 दबा देना। ठीक है, तो हम लोगों को कॉस्ट कितना मिल रहा है, 18,000, और जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट भी निकाल के रख देंगे, 24,000 − 18,000। 24,000 में से 18,000 को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 6,000 का। ये हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस के साथ किया। सेम हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस के साथ भी करना है। स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का कितना था, 72,000। हम लोग कर देंगे 72,000 × 100 डिवाइड बाय 133.33। ठीक है, 72,000 × 100 डिवाइड बाय 133. जैसे मैंने बताया, पॉइंट के बाद चार बार थ्री डाला मैंने, तो हम लोग को कॉस्ट मिल गया 54,000 का। फिर उसके बाद हमारा डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 72,000 − 54,000। ओके, 72,000 − 54,000 किया तो हमारा प्रॉफिट आ गया 18,000। अब ये हमने किसके का किया, एक ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस। तो इसके बाद हम लोग को करना है गुड्स सेंड और गुड रिटर्न। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 4 lakh। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 4 lakh × 100 / 133.33। ओके, तो यहाँ पे 4 lakh × 100 / 133.3333, चार बार करो तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3 lakh। देन इनका डिफरेंस प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 lakh − 3 lakh, तो हम लोग का 1 lakh का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ओके, अब उसके बाद हम लोग का किसका करना है, गुड्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न हम लोग का कितना दे दिया है, 40,000। तो जैसे हमने सेंस का किया वैसे हम लोग को गुड्स रिटर्न का करना है, वो हमारा बैलेंस था 40,000। तो 40,000 × 100 / 133.33, इसका वैल्यू आ जाएगा 30,000 का।
देन हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 माइनस 30,000, तो 10,000 का हमारा क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब हम लोग को इन सब को ब्रांच में डालना है, तो चलो ब्रांच में अब हम लोग का सम स्टार्ट होगा। ये हम लोग का रफ कैलकुलेशन था। ब्रांच में हम लोग आएंगे तो ब्रांच में सबसे पहले हम लोग का रहता है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस जो है वो इस साइड डालते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके, और उसके ऑपोजिट साइड में हम लोग डालते हैं क्लोजिंग बैलेंस यानी बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, अब हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस कौन कौन सा है, स्टॉक का ओपनिंग है, डेब्टर्स का ओपनिंग है, पेटी कैश का ओपनिंग है, फर्नीचर का ओपनिंग है, प्रीपेड इंश्योरेंस का ओपनिंग है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग है। तो इन सब को हम लोग को डेबिट साइड में डालना है। सबसे पहले स्टॉक, स्टॉक हमारा आईपी प्राइस पे था तो इसको ब्रैकेट में कर दो आईपी और 24,000। ठीक है, और स्टॉक का जो डिफरेंस था, हम लोग का प्रॉफिट आ रहा था, कितने का प्रॉफिट आ रहा था हम लोग का, हम एक बार रफ कैलकुलेशन में जाके देखते हैं। प्रॉफिट हमारा था 6,000 और कॉस्ट हमारा कितना था 18,000, तो जो डिफरेंस आ रहा था वो हम लोग क्रेडिट साइड में डाल देंगे बाय स्टॉक और ब्रैकेट में कर देंगे डिफरेंस, कितने का डिफरेंस था 6,000 का। ठीक है, ये हमने पहले सॉल्व कर दिया। और इसकी सेकंड एंट्री कहाँ आती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में उसका जो रियल वैल्यू रहता है वो हम लोग को डालना रहता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक उसका रियल वैल्यू कितना था 18,000 का, तो 18,000 हमने यहाँ पे डाले, ये कॉस्ट पे हमेशा लिखा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का था डेब्टर्स का ओपनिंग। डेब्टर्स का ओपनिंग हम लोग एक तो बैलेंस ब्रॉड डाउन में डाल देंगे 1,20,000, और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ होगी, तो डेब्टर्स अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,20,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है पेटी कैश। पेटी कैश का ओपनिंग है, तो जैसे भी डेब्टर्स का ओपनिंग किया वैसे ही पेटी कैश का भी मेरे को ओपनिंग करना है 1,000, और सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाएगी, तो पेटी कैश के कॉलम में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है फर्नीचर। फर्नीचर का भी ओपनिंग बैलेंस है, तो फर्नीचर हम लोग ने 60,000 डाल दिया। फर्नीचर पर हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, वो हम लोग लास्ट पार्ट में करेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पे फर्नीचर डाल के रख रही, इसका क्लोजिंग हमारे पास नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग का ओपनिंग बैलेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने कर दिया 800। ओके, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट में डालते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मैं क्रेडिट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस डाल रही हूँ 1,200। ओके, अब इनकी प्रीपेड और इंश्योरेंस और आउटस्टैंडिंग सैलरी की सेकेंड एंट्री कहाँ पर जाएगी, तो पी एन एल में जाएगी। पी एन एल में हम लोग कर देंगे इंश्योरेंस प्लस प्रीपेड करंट ईयर का, सॉरी प्रीवियस ईयर का, माइनस प्रीपेड करंट ईयर। अगर प्रीपेड होगा तो प्रीवियस ईयर बैलेंस जो है वो प्लस होगा, और करंट ईयर बैलेंस जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग को यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस जो 800 हमने लिखा था वो किसका था, प्रीवियस ईयर का बैलेंस था, तो हम उसको प्लस में रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सैलरी, सैलरी का इससे उल्टा हो जाएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग था, तो सैलरी हम लोग की आउटस्टैंडिंग अगर समझो प्रीवियस ईयर की है तो वो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस, और आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर की है तो वो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो प्रीवियस ईयर की नहीं दे, हम यहाँ पे माइनस में रखेंगे इसको 1,200। ओके, उसके बाद उनकी क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक दे दिए, तो स्टॉक हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 72,000, और जैसे ये आईपी पे है तो इसका डिफरेंस कहाँ पे आएगा, उसके ऑपोजिट साइड में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्टॉक डिफरेंस। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस हमने निकाल रखा था, कितना आया था क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस 18,000, और उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 54,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 18,000, और ओरिजिनल कॉस्ट कहाँ पे डालेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 54,000। ओके, ये डाल दिया। उसके बाद डेप्टर का और पेटी कैश का क्लोजिंग नहीं दिया है, तो हम लोग को वो फाइन करना है, लेकिन फिलहाल मैं इसको यहाँ पे लिख के रख रही हूँ बाय बैलेंस सी एफ, ये हम लोग का इनकम्प्लीट मार्क्स है, और उसके बाद हम लोग का पेटी कैश का भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाय बैलेंस सी एफ, ये भी हम लोग को फाइन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्नीचर का भी नहीं दिया। नेक्स्ट हम लोग का है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस अभी करंट ईयर का यानी क्लोजिंग है, तो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग में डाल देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था 600, और प्रीपेड इंश्योरेंस का करंट ईयर क्या हो जाएगा, माइनस। ओके,
फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे मैंने बताया आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने कर दिया कितना, 1600, ये मैं बाहर कर दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो आईटी प्राइस के ऊपर था, हम लोगों ने उसका कैलकुलेशन निकाला था। तो यहाँ पे कर देंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना, 4 लाख, ब्रैकेट में करके रख देंगे आईपी, और इनका डिफरेंस कितना आता है, 1 लाख। वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो अपोजिट साइड में बाय गुड्स सेंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंस कितने का डिफरेंस आ रहा था दोस्तों, 1 लाख का, तो यहाँ पे हमने 1 लाख कर दिया। ठीक है, अब ये गुड्स सेंड क्या होता है, तो हमारा परचेज रहता है। परचेज हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो परचेज हम लोगों ने लिख दिया, कॉस्ट उसका था 3 लाख का, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे 3 लाख डाल दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे हम लोग को दिया है गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न हम लोग का कहाँ पे आता है, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बाय गुड्स रिटर्न, यदि आपको पता है किसके ऊपर था, आईटी के ऊपर, कितना वैल्यू था, 40,000। तो इसका डिफरेंस कहाँ पे आएगा, अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में हम लोग कर देंगे गुड्स रिटर्न, और वो डिफरेंस हम लोग डाल देंगे, डिफरेंस कितने का था, 10,000 का। ओके, और हम लोग का उसका रिटर्न का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 40 - 10 = 30, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। ठीक है, ये हम लोगों ने डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया है फर्नीचर सेंड टू ब्रांच ऑन 1/10,000 = 20,000। तो ये नया फर्नीचर आया, इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग फर्नीचर वापस डाल देंगे, कितना वैल्यू था इसका, 20,000। फर्नीचर का मैं एक एडजस्टमेंट जो भी नहीं किया, फिलहाल मैं फर्नीचर की ही वैल्यू डाल रही हूँ। ओके, फिर उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय डेप्टर 4,000। गुड्स रिटर्न हमारा क्या रहता है, सेल्स रिटर्न रहता है। तो वो डेप्टर है, तो सबसे पहले तो हम लोग का यहाँ पे आएगा गुड्स रिटर्न बाय डेप्टर। ठीक है, कितना वैल्यू दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय डेप्टर का, 4,000 डाल दिया। और दूसरा एंट्री कहाँ पे जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग लिखते हैं सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 4,000 माइनस में। नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर इंक्लूडिंग बैड डेट रिफंड 2,000। यानी हम लोग को कैश रिसीव हो रहा है 2 लाख, तो कैश रिसीव तो सबसे पहले हम लोग को डेप्टर्स अकाउंट में डाल देना है 2 लाख। सेकेंड एंट्री हम लोग को ब्रांच अकाउंट में डालना है कैश रिसीव 2 लाख, और जो रिफंड हो रहा है, रिफंड कितने का हो रहा है, बैड डेट रिफंड 2,000 का, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बैड डेट रिफंड 2,000। और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाएगी, तो पीएनएल की क्रेडिट साइड में हम लोग कर देंगे बैड डेट रिफंड 2,000। ओके, ये डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ हम लोग का कहाँ पे जाता है, डेप्टर में। डिस्काउंट अलाउ हम लोगों ने कर दिया 1,000, और सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाती है, पीएनएल में। तो पीएनएल में हम लोग कर देंगे डिस्काउंट अलाउ 1,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का है बैड डेट। बैड डेट हमारा है 600, बैड डेट हमने कर दिया है यहाँ पे 600। सेकेंड एंट्री हम लोग की पीएनएल में जाती है, तो बैड डेट 600 हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग का है कैश सेल्स 70,000। तो कैश सेल्स हमारा कहाँ पे जाता है, ब्रांच में। कैश सेल्स हमने कर दिया 70,000, और यहाँ पे हमने सेल्स लिखा हुआ है 70,000 में लिख के रख रही हूँ। कैश और क्रेडिट दोनों हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और उसके नीचे हम लोग का है कैश सेल्स के नीचे ही हम लोग का है क्रेडिट सेल्स 2,45,600। तो यहाँ पे हम लोग का 2,45,600 सेल्स में डाल दिया। और सेकेंड क्रेडिट सेल्स की एंट्री कहाँ पे आती है, तो डेप्टर के डेबिट साइड में हम लोग का रहता है क्रेडिट सेल्स, तो वो हम लोग डाल देंगे 2,45,600। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग का है पेटी कैश सेंड। पेटी कैश सेंड कितना है, 3,000। तो हम लोग का पेटी कैश सेंड हम लोग डाल देंगे 3,000, और इसकी सेकेंड एंट्री हम लोग की कहाँ पे आती है, तो ब्रांच अकाउंट में। पेटी कैश सेंड हम लोग का हो गया 3,000। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला है सैलरी। सैलरी कितना दिया, 15,000। सैलरी हम लोग ब्रांच में डाल देंगे सबसे पहले, तो 15,000, और सेकेंड हम लोग ने पीएनएल में बना ही रखा है, तो उसमें हमारा आ जाएगा 15,000। ओके, फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया 18,000। सेम चीज, इंश्योरेंस प्रीमियम पहले तो हम लोग को ब्रांच में डाल दे रहा है 18,000, दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग ने लिख रखा है, तो वो हम लोगों ने 18,000 डाल दिया। फिर हमारा बचा है पेटी एक्सपांस। तो पेटी एक्सपांस हम लोग के पेटी कैश के क्रेडिट साइड में आता है, कितना दे दिया 2,000,
और सेकंड एंट्री हम लोग की पीएनएल में आती है, तो यहाँ पे कर देंगे पेटी एक्सपेंस 2000। दोस्तों यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का डालना भूल गया, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1600। ओके, अब हम लोग को नीचे में दिया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। हम लोग को फर्नीचर का क्लोजिंग निकालना बाकी था, मैंने जैसे बोला कि फर्नीचर का एक पॉइंट है जिसको हम लोग को रफ वर्क करना है, इसकी वजह से यहाँ पे मैं फर्नीचर का कर रही हूँ। अब फर्नीचर का वैल्यू स्टार्टिंग में हम लोग का कितना था 60,000, और उसका 10% हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6,000। ओके, माइनस कर देंगे 16 में से 6,000, तो हमारा कितना बचेगा 54,000। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने एक और फर्नीचर के बारे में बोला है जो परचेज हो रहा है 1/10/2010 में। 1/10/2010 में एक फर्नीचर परचेज हो रहा है 20,000 का, तो इसको क्या करेंगे 20,000 × 10% और 10 से लेके 31st मार्च तक का मंथ कितना हो जाएगा 6, तो 6 / 12। 20,000 × 10% × 6 / 12 कर देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया 1,000। 20,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा क्लोजिंग का 19। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो टोटल वैल्यू देखने 54,000 प्लस 19,000 73,000 हमारा क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, और 6,000 प्लस 1,000 7,000 हमारा क्या हो गया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कहाँ पे डालनी है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर हमने यहाँ पे क्लोजिंग लिखे हुए, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे फर्नीचर 73,000 और उसका डेप्थ कहाँ पे जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जाएगा पीएनएल में। ठीक है, कितना बैलेंस आया हम लोग का 7,000, तो 7,000 हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, तो सब बैलेंस को क्लोज करना है, तो चलो सबसे पहले डेप्ट से स्टार्ट करते हैं। 1,20,000, 2,45,600 माइनस 4,000, 2,00,000, 1,600, तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्टर कितना मिल गया 1,60,000। इसको लिखना कहाँ पे है, तो डेप्टर्स क्लोजिंग कर देंगे ब्रांच में 1,60,000। ठीक है, फिर उसके बाद पेटी कैश को भी क्लोज कर दो, 1,000 प्लस 3,000 माइनस 2,000, तो पेटी कैश का क्लोजिंग कितना हमारा आ गया 2,000, और ये 2,000 भी हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है पेटी कैश 2,000। ओके, अब इसके जो टोटल्स है वो टोटल्स को बाहर कर देंगे, ब्रांच को सबसे पहले हम क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल निकाल के रख दिया, टोटल ऑफ क्रेडिट हमारा ब्रांच का है 7,26,800, टोटल ऑफ डेबिट जो है वो है 6,91,400। अब माइनस कर देंगे 7,26,800 माइनस 6,91,400, तो हमारा ब्रांच का प्रॉफिट आ गया कितना, टू ब्रांच प्रॉफिट हम लोग लिख देंगे 35,400। ठीक है, अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो ब्रांच प्रॉफिट आया वो हम लोग का पीएनएल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम लोग करेंगे ट्रेडिंग को क्लोज। सबसे पहले 3,00,000 में से 30,000 माइनस किया तो 2,70,000 आ गया, फिर 70,000, 2,45,600 माइनस 4,000, ये हम लोग का आया 3,11,600 प्लस 54,000 माइनस 18,000 माइनस 2,70,000, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना 77,600। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पीएनएल में, ये तो आप सभी लोग जानते हो कि किस तरीके से निकालना है इसको। यहाँ के टोटल्स भी मैं बाहर निकाल देती हूँ, 18,000 प्लस 800 माइनस 18,000 प्लस 800 माइनस 600 ये आया 18,200, देन 15,000 माइनस 1,200 प्लस 1,600 ये हमारा आया 15,400। ठीक है, 77,600 प्लस 2,000 माइनस 18,200 माइनस 15,400 600 1,000 2,000 एंड 7,000 आया टोटल टैली, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारा है नेट प्रॉफिट 35,400। दोस्तों हमारा ब्रांच अकाउंट का पीएनएल का हमेशा टोटल टैली होता ही है, इसकी वजह से आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो एग्जाम में कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। अब यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हुआ, होप आप सभी को सम समझ में आया होगा, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो या पूछ सकते हो। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा।
इसी तरीके से डियर मित्रों को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।